जो इंडियन करेंसी है वो पाकिस्तानी वाले एक्सेप्ट करते हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में? सोशल एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मतलब तो उसमें दो गांधी जी के पिक्चर है ना, तो ये कौन है भाई? तो करेंगे उनको ये बोल रहे कि ये गांधी जो है जिन्ना का फ्रेंड था भाई, कब समझोगे आप लोग, हिस्ट्री पहले एक ही थी, दोनों वो फ्रेंड हुआ करते थे यार। चलो ठीक है, लाइक जरूर करें अगर हमें सोशल सर फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो हां जी दादा, मोस्ट वेलकम। अरे क्या बात यार, आप लोग के यार हमारे लोग तो प्यार के लिए जान दे दिए। क्या बात, हम भी ऐसे ही हैं, हमारे लोग आए आपका, हम जो है ना हमारे हमारे भी लोग वहां कर बहुत अच्छे, तुम आओ ना कभी वहां पे आके एक्सपीरियंस करो। एजेंसी नहीं चलनी यहां पे, ये तो हमारा दुश्मन मुल्क है। ओ दुश्मन मुल्क की क्या बात है यार, आपको करंसी आप मैं का पुलिस का कप्तान करूंगा तो आपको अंदर करूंगा। क्या बात है, इस तरह के लोग क्यों होते हैं? आज इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज मेरे पास ये कुछ इंडियन करेंसी है, तो आज मैं एक इंडियन मार्केट डिफरेंट स्टॉल्स पर जाऊंगा और उनसे कुछ ना कुछ बाय करूंगा, और जब उनको यकीन हो जाएगा कि मैं एक इंडियन हूं, उसके बाद वो मुझे किस तरह ट्रीट करते हैं वो जानने के लिए आपको वीडियो का अंत देना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं, लेट्स गो फॉर इट। नमस्ते भैया, वो मैं इंडियन, इंडिया से हूँ, इंडिया। आप इंडियन हो? हाँ हाँ जी दादा, वेलकम यार। अरे क्या बात यार, आप लोग के यार हमारे लिए क्या बात, कितने की लगाई टोपी? ये गाय 150 बताइए। ओए होए, इतनी महंगी दादा, परेशान करो कर लेते हैं यार, परेशान नहीं होने, बोले नाइकी की दिखाओ ये ब्लैक में। कितने पैसे बोले भाई आपने? पैसे का कोई मसला नहीं है, अरे आप हमारे भाई। हाँ क्या बात, पैसे तो लेंगे ना भाई। भाई ये थोड़े से 20 रुपये कम है भाई मेरे पास। पैसों का मसला कोई नहीं है, आप रहने दें यार, हमारे भाई हैं। जी भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप ये रख लो, मैं यहाँ से गुजरते हुए आपको फिर से 20 रुपये और दे दूंगा भाई। नहीं, नहीं, आप वैसे भी भाई ये पाकिस्तानी पैसे में तो ज्यादा है भाई, तुम्हें तो इसमें फायदा ही है। नहीं यार बात ये, आप हमारे पड़ोसी हो, मैं पैसे तो नहीं लूंगा आपसे, लेकिन ये नहीं दादा, ये छोटा सा नोट हो तो मुझे दे दे यार, ये बहुत प्यारा है। छोटा मेरे पास छोटा इससे यार, पैसे नहीं लेने आप हमारे मेहमान। हाँ लेकिन जो है ना बहुत प्यारा नोट है छोटा, ज़्यादा है मेरे पास जो, अगर पड़ा हुआ है ना इससे छोटा सा मेरे को 10 रुपये पड़े हैं दादा। हाँ वो दिखा यार, ये तो बहुत प्यार है यार। क्या करोगे 10 रुपये? देखो ये आपके 10 रुपये कैसे, ये तो हमारे पास हो गए, ये अपना वाला 10 रुपये यार ये। अरे वाह, अरे वाह दादा, तुम्हारा भी तुम्हारा तुम्हारे 10 रुपये भी मजे के लग रहे हैं ना, अच्छे छोटा नोट है लेकिन तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा प्यारा नोट है, दोनों नोट बड़े प्यारे हैं। तो तुम क्या करोगे इसका? बस यार अच्छा लगे, बहुत जबरदस्त। अच्छा ऐसे रखोगे अपने पास? बहुत धन्यवाद दादा तुम्हारा, दादा दिक्कत थी थोड़ी सी, मैं पैसे देखो हम लोग जो है वो इतने नहीं रखते दूसरे से नफरत, हम जो लग रहे हैं सिंधी है। हां टैंकी पूरी पिएंगे? नहीं दादा इतना ज्यादा तो नहीं। ये कौन सी बात है दादा, ये क्या, ये पीने वाली चीज है ना, पानी है ये वाली? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बनाया, खुद पीने के लिए अपने लिए बनाया है। क्या है दादा इसमें, ये क्या डाला हुआ तुमने पानी? पानी का शरबत है, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दफा पिएंगे, आप जाके पूरी इंडिया में मेरी धमाल करेंगे। बहुत 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 तुम्हारा धन्यवाद दादा। दादा ये फिर भी मैं ये ही है दादा मेरे पास, पैसे तो बिल्कुल नहीं ना चलेंगे। अरे दादा नहीं, चलेंगे। नहीं खिदमत है तो हुक्म कीजिए। क्या बात है भाई, दादा ये प्लीज दादा ये मेरे से रख लो तुम, ये तो फिर नाराजगी वाली बात हो जाएगी। अरे दादा क्या बात कर रहे हो तुम दादा, इतने भले इंसान भी होते हैं दादा यहाँ पे। अरे दादा क्या कर रहे हो दादा, वो सीट लेके आ रहे हैं, वो दूर गए हो, देखो वहां से ला रहे। देखो यार अच्छे अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं, ठीक है ब्रेव भी है लेकिन अच्छे बहुत है भाई। आप हमारे पड़ोसी मतलब के यार, मैं भी इंडिया चक्कर लगाऊंगा, मैं भी इंडिया चक्कर लगाऊंगा, जरूर आओ चक्कर लगाओ, बहुत इजी है मिलना, मैं तुम्हें पूरा देश घुमाऊंगा। पाकिस्तान तो बहुत ही इजी है, हमारा देश भी बहुत। ये पठान लग रहा है, बहुत खूबसूरत पठान है ना, कश्मीर की सरकार। हां आजा शायद पता है, मैंने कराची और इस्लामाबाद का तो नाम सुना है, पंजाबी है, एक्सपीरियंस किया यहाँ पर आके ना,
अभी तुमने भी मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, मुझे एक तो पहले लोगों ने भी काफी अच्छे से ट्रीट किया। प्यार की खुशी है, जो मेहमान आते हैं बड़े से मुल्क बुलाते हैं, बहुत प्यार देते हैं। अरे दादा, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत अच्छा लगा। आप बैठो, चाय शाय करवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद दादा, बहुत शरबत पिलाते हैं। नहीं दादा, मैं अभी आगे निकलूंगा, जरा काम जाना है बाकी। बहुत छोड़ देंगे यार, नहीं गाड़ी मंगवा। अरे 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 अरे, परेशान नहीं होना। अरे दादा, क्या तुम दिल जीत लोगे बार बार? कितनी दफा कितनी दफा जीतोगे दादा? हम भी आएंगे, जरूर जरूर जरूर। चक्कर को भी देख लेंगे, क्या प्यार करते हो। हमारे लोग भी वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। ओके जी दादा, हम भी ऐसे ही हैं। हमारे लोग आए आपका, हम हमारे हमारे भी लोग वहाँ कर बहुत अच्छे। तुम आओ ना कभी वहाँ पे, आगे एक्सपीरियंस करो ये चीज। हमारे देश में खुशबू लगा है कि कभी आओ ना। मुझे क्रेजी प्रैंक ठीक है, लगा है बहुत अच्छी वीडियो है। लो दादा, ध्यान रखो अपना। राम 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 राम। अच्छा, सरहदों की बात है, यहाँ से काटोगे तो इंशाल्लाह तारा रेड निकलेगा और आपका भी रेड ही। ये क्या बात कह दिया। यहाँ आके पता चला कि पाकिस्तानी भी वहाँ पर हमारे जैसे ही हैं। हम भी पाकिस्तानियों को बहुत प्यार करते हैं और तुम लोग भी हम लोगों को बहुत प्यार करते हो दादा। जो दादा आते जाते मैं यहाँ पे जरूर चक्कर लगाया करूँगा दादा तुम्हारे पास। लव हो गया दादा तुम्हारे साथ। मैं जब मैं वापस जाऊँगा इंडिया, मैं वहाँ पर बताऊँगा कि मेरा वहाँ पे एक बहुत बड़ा भाई मुझे मिल गया कोई। क्या बात, एक्टिव बंदा है। धन्यवाद, पर नॉट अ ह्यूज वन ऑफ इंडिया, दे रिएक्टेड इन सर्टेन ये अभी। ले अंकल, थैंक यू। ओ बेटा, ये क्या दे रहे हो? मतलब पैसे यहाँ पे 150 रुपये बोला ना। पैसे ही है वो भी इसमें। वो अंकल नहीं है, इंडिया से वापस आए, चेंज करवाने का टाइम नहीं मिला। आप ये रख ले, कोई बात नहीं है। 300-350 है, नहीं चलनी यहाँ पे। ये तो हमारा दुश्मन मुल्क है। दुश्मन मुल्क की क्या बात है यार, आपको करंसी। आप मैं पुलिस का कंप्लेंट करूंगा तो आपको अंदर करूंगा। यार आप एक बात कैसे कर रहे हो, हमारा दुश्मन मुल्क यार। जी बात कर रहे हैं, पड़ोसी यार हमारे, हमारा प्यार होना चाहिए उनके साथ। हमारा दुश्मन मुल्क है। ये किसने कह दिया आपको? क्या क्या बिगाड़ा उन्होंने, क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? अजीब बात कर रहे हो। मैं आपसे आम लेने आया हूँ। आपको इजाजत किसने दी इधर आने की? ओ भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास इंडियन करेंसी है बस। करेंसी इसको चेंज करवाया, मनी चेंजर में जाए पहले उसको चेंज कराया, फिर आए हमारे पास। ये पाकिस्तानी 500-600 बनता है यार, क्या बात कर रहे हो? गांधी साहब की तस्वीर है भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि गांधी साहब इधर पाकिस्तानी करेंसी। अब मैं क्या करूँ अंकल, मेरे पास आएंगे यार। ये तो फिर काम खराब है ना यार, ये बुरी बात है। आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में रह के? तो आप इंडिया की दे रहे हैं करेंसी, तो यार वो करेंसी चेंज करवा लीजिएगा अंकल। आप क्या हो गया, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। क्यों अंदर कराओगे यार? अजीब सा है कि आप लोगों की दुश्मन मुल्क, दुश्मन मुल्क पता नहीं क्या बात कर रहे हो आप। आम तो दे दो। नहीं भाई जान, ये नहीं मिलेगा हम आपको। तो मैं पाकिस्तानी पैसे दे दो, पाकिस्तानी करेंसी ले फिर आपको देंगे। हाँ तो दे देता हूँ ना, वो आम तो पैक करो। पैसे दे पहले, वो थोड़े से कम है। कम है कोई बात नहीं, कम दे दे आप। कितने पैसे बन गए? 400 रुपये। ये मेरे पास ना ये 320। आप 320 दे दे, वहाँ में मंजूर है 80 रुपये का। तो गाइस, मोस्टली लोगों ने मेरे इंडियन से मिलकर काफी अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन अभी भी कुछ ना जिनकी सोच गलत है और वो पुराने ख्याल आपके मालिक हैं। okay. तो उनको अपनी सोच को बदल लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है और पड़ोसियों के साथ अच्छे तालुकात होने चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो मुझे कॉमेंट जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज है, हर जगह बुरे होते हैं, जिधर बुराई हो तो उधर अच्छाई भी होती है, अगर अच्छाई हो तो बुराई भी होती है। एग्जैक्टली, तो पहले जो दो तीन बंदे थे उन्होंने मुझे अच्छा ट्रीट किया, मुझे अच्छी मतलब कोई बात नहीं है। एक तो बिल्कुल पैसे नहीं लिया, दूसरे ने भी पैसे नहीं लिए। चाचा छुटता, एक तो आइसक्रीम वाला था, आइसक्रीम वाला था, एक चाचा था और एक दूसरा केप वाला था, उन्होंने बिल्कुल पैसे ही नहीं लिए। और दो बंदे, एक तो बिल्कुल डर के मारा था कि यार हमें तो अंदर करा हो गया। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए, मेजोरिटी मैंने देखा हुआ है, मेजोरिटी लोग नहीं चाहते कि हेट हो,
उनको सबको पता है क्या पढ़े हुए तो लापता जो एजुकेटेड हो वो उनको लोग नहीं करते नहीं एजुकेटेड कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं कुछ लोग मोस्टली देखा होता है वो बंदे भी फिर समझदार होते हैं ये सब कुछ नहीं करनी चाहिए यस 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 बिल्कुल ये बात है तो ये अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं हमेशा लोग हमेशा बोलते रहते हैं भाई पॉजिटिविटी फैलाओ पीस की बातें करो ये झगड़ों से कुछ होगा नहीं लोग कहा यूरोप कहा पहुंचे हम लोग अभी तक इसी में झगड़े हुए भाई आप ये कहो आप वहाँ क्या हो आपको मैं ये करूँगा आपको वो करूँगा भाई इस तरह कुछ होगा नहीं बाकी ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी बहुत अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट किया हुआ था क्रेजी प्रैंक्स टीवी वालों ने काफ़ी अच्छी वीडियो था बहुत पसंद है मेरे सब लोगों ने भी इंजॉय किया होगा अगर इंजॉय किया हो तो प्लीज चैनल फॉर रिटर्स साथ में जो मेरा कहने लाइव जरूर करें तो मिल रहे हैं स्वामी कह रहे हैं इतना ही अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।